माफी चाहते हैं बेगम साहिबा। माफी मांगनी भी चाहिए तुम्हें। आज जो कुछ हुआ तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से एक बेगुनाह कारिंदे का कत्ल करना पड़ा हमें। जो गुस्सा हमें तुम पे निकालना था हमने उस पे निकाला। तुम्हारी फौज ठीक से नहीं लड़ी, हमें फतेहाब नहीं किया और हम अपनों पे गुस्सा नहीं निकालना चाहते थे, नहीं तो लोगों को लगता कि हम जलाल से खौफजदा हो गए हैं, इस शिकस्त से खौफजदा हो गए हैं, जबकि हम खौफजदा बिल्कुल नहीं है। किस्मत की खा रहे हैं सब। जलाल मिर्जा से पहले पैदा हो गया तो उसे तख्त मिल गया। बेगम हमीदा ने हमसे पहले एक बेटे को जन्म दे दिया तो मलिकाए जमानी और मलिकाए मकानी बन गई। हमें कुछ नहीं मिला, ना ही हमारे बेटे को। देख क्या रहे हो, बची हुई फौज को तैयार करो। इस बार जंग हमें जीतनी है और अगर हम फतेहयाब नहीं हुए ना तो हमारे हाथों एक और कत्ल हो जाएगा तुम्हारा। खुद को बेवा बना लेंगे हम, समझे? हुकुम हुजूर। फाजल बेग को हमारे सामने पेश किया जाए। हुजूर ने गुलाम को याद फरमाया। फाजल बेग, वो समय आ गया है खास हथियार को जंग में पेश करने का। उसे फौरन यहां से रवाना कर दिया जाए। जी बेगम साहिबा। होश में आओ नामाकूल। आप जानना नहीं चाहते कि वो खास हथियार क्या है? हमसे आप पूछेंगे नहीं कि हम ये जंग कैसे जीतने वाले हैं? कोई और होता जो हमसे ये बेवकूफाना सवाल करता तो उसका हम कत्ल कर देते, लेकिन आप हमारे शौहर हैं। बेझिझक होके पूछिए, पूछिए ना। कैसे कैसे ये जंग फतेहयाब करेंगे आप? क्योंकि हमारे पास एक खास हथियार है, एक पहची दरिंदा, एक जानवर जो दो पाँव पे चलता है लेकिन इंसान नहीं, पहची है। Yeah.